नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी YouTube चैनल हिटसन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, इसमें हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम 20% डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम आपको PDF भी प्रोवाइड करेंगे। बाकी के जो क्वेश्चन है वो आपको PDF में मिल जाएंगे। PDF का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना ज्यादा समय लिए। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, फाइल को कट करने के लिए शॉर्टकट की चयनित फाइल है, यानी कि किसी भी फाइल को आपको कट करना है तो उसके लिए हम किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। तो किसी भी फाइल को कट करने के लिए हम जो है Ctrl+X शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं, कॉपी करने के लिए Ctrl+C और सेलेक्ट करने के लिए पूरी फाइल को Ctrl+A, और उन तीनों को जो है जब हम सेलेक्ट करके कट कर लेते हैं या उसको हम कॉपी कर लेते हैं तो उसको पेस्ट करने के लिए हम Ctrl+V शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा प्रश्न है, शब्द फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। शब्द का मतलब होता है इंग्लिश में वर्ड। तो एमएस वर्ड के अंदर जो भी फाइल हम तैयार करते हैं उसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है, उसका एक्सटेंशन नेम होता है .doc, जिसका मतलब है कि वो एक डॉक्यूमेंट फाइल है। और एक्सेल के अंदर जब भी हम कोई फाइल तैयार करते हैं तो उसका एक्सटेंशन नेम होता है .xls। इसके अलावा अगर हम पावर पॉइंट के अंदर कोई फाइल तैयार करते हैं तो उसका एक्सटेंशन नेम होता है .ppt, जिसका मतलब होता है पावर पॉइंट। तीसरा प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रयोग किया जाता है डैश, तो माइक्रोसॉफ्ट जो पावर पॉइंट होता है उसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो पावर पॉइंट के अंदर जो हम प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, और प्रेजेंटेशन को हिंदी में बोलते हैं प्रस्तुति। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, प्रस्तुति बनाने के लिए, यानी कि प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए हम जो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। चौथा प्रश्न है, कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस कौन सा है, प्रिंटर, मॉनिटर या फिर कुंजी बोर्ड। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, जो आपका कुंजी बोर्ड होता है, जिसे हम इंग्लिश में कीबोर्ड बोलते हैं। वो एक जो है इनपुट डिवाइस है, और कुंजी को इंग्लिश में बोलते हैं हम की, KEY जो आपका वर्ड होता है उसको हिंदी में हम कुंजी बोलते हैं। और की का मतलब चाबी भी होता है, जो आपका ताला होता है, कोई भी ताला जो आप ओपन करते हो किसी भी चाबी के माध्यम से, उसकी जो चाबी होती है उसे हम की बोलते हैं। ठीक है, तो जो आपका कीबोर्ड है वो आपका इनपुट डिवाइस है, इसके अलावा आपका जो प्रिंटर है और जो मॉनिटर है ये दोनों आपके आउटपुट डिवाइसेस हैं। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प रैम का विस्तार है। तो रैम की फुल फॉर्म यहाँ पर आपसे पूछी गई है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। तो रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। छठा प्रश्न है, एमएस वर्ड में निम्न में से किसको टाइप करने पर किसी शब्द का समानार्थी प्राप्त होता है। तो अगर हमें किसी भी वर्ड का उसका समानार्थी या उसका सिनोनिम हमें देखना है एमएस वर्ड के अंदर, तो उसका सिनोनिम देखने के लिए एमएस वर्ड के अंदर जो एक फंक्शन होता है, एक ऑप्शन होता है, वो होता है आपका थीसेरस। थीसेरस क्या होता है, एक तरह की डिक्शनरी की तरह होता है। ठीक है, और इसकी जो एक शॉर्टकट की भी है वो आपकी Shift+F7। अगर आप Shift+F7 बटन प्रेस करते हैं तो आप जो है उस सिलेक्टेड वर्ड की जो है सिनोनिम देख सकते हैं, समानार्थी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप Simple F7, ठीक है, जो आपकी फंक्शन 7 बटन होता है उसको प्रेस करते हैं तो जो आप वो जो बटन है वो आपकी स्पेल चेक, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन भी है, स्पेलिंग चेक करने के लिए F7 शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो आपका हाइपर लिंक होता है वो URL होते हैं, जो हम जो है Ctrl+ जो आपकी K, Ctrl+K जो शॉर्टकट की होती है, Ctrl+K फॉर काइट, उसका इस्तेमाल करके जो हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जो कोई भी हाइपर लिंक इंसर्ट कर सकते हैं। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक एग्जाम्पल है, उदाहरण। तो इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है वो भी एक सॉफ्टवेयर है, एक्सेस भी एक सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस टाइप है, और डेस्कटॉप क्या है वो आपकी स्क्रीन होती है। इसके अलावा जो आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडो है, विंडो क्या है, विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी। आठवां प्रश्न है, कौन सा सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से वाउचर, वित्तीय वक्तव्य और रिटेल व्यापार के कराधान के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पे सिंपल से आप देखिए कि वाउचर कहाँ पर होते हैं, वाउचर होते हैं आपके टैली के अंदर, ठीक है, और वित्तीय व्यक्तव्य, वित्तीय यानी कि फाइनेंशियल, तो अकाउंटिंग का जो काम होता है वो टैली के अंदर होता है, और जो आपके वाउचर होते हैं वो भी टैली के अंदर तैयार किए जाते हैं, और वो बिजनेस में भी इस्तेमाल होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, जो आपका टैली सॉफ्टवेयर है उसका इस्तेमाल जो है अकाउंटिंग में किया जाता है, उसमें हम जो है अकाउंट बना सकते हैं, कंपनी बना सकते हैं और वाउचर भी बना सकते हैं। नौवां प्रश्न है, वेस्ट शब्द किस रूप में प्रयोग होता है। तो कंपनी और इंडस्ट्रीज के अंदर जो जापान में कंपनियां होती हैं वहां पर जो वेस्ट शब्द होता है वहां पर वेस्ट शब्द का इस्तेमाल नहीं होता, वहां पर इसके स्थान पर MUDA जो आपका मूडा वर्ड है उसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसको आप बड़ी आसानी से ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं, जैसे वेस्ट का मतलब क्या होता है, कचरा और कूड़ा, ठीक है, और कूड़ा से सिमिलर शब्द कौन सा दिए गए ऑप्शन में से, मूडा, कूड़ा और मूडा, ठीक है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि वेस्ट का मतलब होता है कूड़ा, कचरा, किसी काम की जो चीज नहीं होती, व्यर्थ,
ठीक है, और वेस्ट को जापान में बोलते हैं MUDA, मोडा। 10वां प्रश्न है, स्टैंडर्डाइजेशन के अंतरराष्ट्रीय संगठन ISO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, यानी कि जो आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, उसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा के अंदर है। 11वां प्रश्न है, खारिज सामग्री के पुनः प्रसंस्करण से बने नए उपयोगी उत्पाद को क्या कहा जाता है, यानी कि कोई भी सामग्री जो ऐसी हो जाती है उसको वेस्ट निकाल दिया जाता है कि जो किसी काम की नहीं है, और उसी से पुनः संस्करण उसका फिर से इस्तेमाल करके जो है एक नया उत्पाद बनाया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन दिए गए हैं, बेकार पदार्थ का फिर से, तो ये बात गलत है क्योंकि इसने कहा है कि उसका पुनः प्रसंस्करण, उसको उससे एक नया उत्पाद बनाया गया है। तो बेकार पदार्थ का फिर से उपयोग अगर हम करें, जैसे कि हमारे पास कोई पुरानी बोतल है उसको काट कर हम डिब्बा बना लेते हैं, तो उससे नया प्रोडक्ट नहीं बना, वो पुराना ही है, उसका सिर्फ यूज हुआ। ठीक है, ऑप्शन बी, कच्चे माल के उपयोग में कमी, तो ये बात भी गलत है, कच्चे माल से संबंधित कोई बात नहीं है क्योंकि उससे एक नया प्रोडक्ट बनाना है। ऑप्शन सी, बेकार ठोस का प्रबंधन, या फिर ऑप्शन डी, सामग्री का पुनर्चक्रण, तो जो आपकी सामग्री थी, जो आपकी वेस्ट मटेरियल था उसको अपने पुनः प्रसंस्करण, उसको फिर से जो है प्रोसेस करके एक नया उत्पाद बना दिया, तो क्या कर दिया आपने, उसका पुनर्चक्रण कर दिया, उसको रिसाइकल कर दिया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी, सामग्री का रिसाइकल या फिर पुनर्चक्रण। 12वां प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार प्रमुख ग्रीन हाउस गैस इनमें से कौन सी है, तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है कि हमारा जो वातावरण है, जो पृथ्वी है उसके अंदर जो गर्मी बढ़ रही है, उस गर्मी का बढ़ने का जो कारण है वो कौन सी गैस है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वह हमारे वातावरण के अंदर ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने का जो है कारण है। अगला प्रश्न है, फैक्ट्री एक्ट के अनुसार महिला के कार्य करने पर निषेध है, तो जो आपका फैक्ट्री एक्ट आया था वो सन 1948 यानी कि 48 में आया था, और उस एक्ट के अनुसार किसी भी महिला से किसी भी फैक्ट्री के अंदर किस समय काम नहीं करवाया जा सकता है, यानी कि वो महिला किस समय तक जो वहां पर काम कर सकती है और कौन सा समय ऐसा है कि उस समय के बाद उससे काम वहां पर नहीं करवाया जा सकता। तो यहां पर ऑप्शन दिए गए, 5 AM के पहले और 7 PM के, यानी कि सुबह के 5 बजे से पहले और शाम के 7 बजे के बाद वहां पर काम नहीं करवाया जा सकता, तो ये बात गलत है। ऑप्शन बी है, 6 AM के पहले, यानी कि सुबह के 6 बजे से पहले और शाम के 7 बजे के बाद कोई भी महिला किसी फैक्ट्री में काम नहीं कर सकती, ये रूल आया था सन 1948 में। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन बी है यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है कि किसी भी महिला से किसी भी फैक्ट्री के अंदर जो है 6 बजे से पहले सुबह के और शाम के 7 बजे के बाद जो उसको फैक्ट्री के अंदर नहीं रखा जा सकता, उस पे जबरदस्ती काम जो है नहीं करवाया जा सकता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, आंखों की सुरक्षा के लिए क्या PPE इस्तेमाल होता है, तो PPE का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो आपके पर्सनल सेफ्टी जो टूल्स होते हैं जिससे आप अपने पूरे शरीर की सुरक्षा करते हैं, उन्हें हम PPE की कैटेगरी में रखते हैं, यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, उनसे आपकी खुद की सुरक्षा होती है काम करते समय, जैसे काम करते समय आप जो आप जूते पहनते हैं, चश्मे पहनते हैं, हेलमेट पहनते हैं, तो आपके शरीर की सुरक्षा, तो ये सब आपके पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया आंखों की सुरक्षा के लिए हम क्या, तो आंखों की सुरक्षा के लिए तो हम चश्मे पहनते हैं, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, फैक्ट्री एक्ट 1948 के अनुसार कैंटीन प्रदान किया जाना चाहिए अगर कारखाने में मजदूरों की न्यूनतम संख्या कितने से अधिक है, तो यानी कि अगर किसी फैक्ट्री के अंदर जो है कितने मजदूर होने चाहिए कम से कम वहां पर जो है कैंटीन लगाने के लिए, तो किसी भी फैक्ट्री के अंदर अगर 250 यानी कि 250 मजदूर हैं तो वहां पर जो कैंटीन है वो अनिवार्य होनी चाहिए, वहां पर कैंटीन का प्रबंध, उनके खाने पीने का प्रबंध किया जाना जरूरी होता है अगर किसी भी फैक्ट्री के अंदर न्यूनतम कम से कम 250 कर्मचारी काम करते हैं। अगला प्रश्न है, फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था, तो जो आपका फैक्ट्री एक्ट है मैं आपको बता चुका हूं सन 1948 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, अप्रेंटिस एक्ट भारत सरकार के द्वारा कब लागू किया गया था, जो जो आप अप्रेंटिस करते हैं ITI के बाद, जो आप अप्रेंटिस करते हैं, तो ये जो रूल है, ये एक्ट है, ये कब लागू हुआ था कि किसी भी संस्थान के अंदर जो है अप्रेंटिसशिप जो है जरूरी होनी चाहिए, किसी भी फैक्ट्री के अंदर अप्रेंटिसशिप बहुत जरूरी होनी चाहिए, तो ये जो एक्ट है ये सन 1961 में लागू हुआ था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, फैक्ट्री एक्ट के अनुसार पुरुष के लिए सिर पर या हाथ से ढोने के लिए अधिकतम भार की आज्ञा है, इनकी कोई भी व्यक्ति किसी फैक्ट्री में अगर काम करता है
तो अधिक से अधिक वो कितना बार वहां पर ढो सकता है, तो मतलब कितना बार होता है, कितनी लिमिट होती है कि उससे ज्यादा जो वजन है उस व्यक्ति से नहीं उठवाया जाएगा, उस पर जोर जबरदस्ती कोई भी दबाव नहीं डाला जा सकता कि वो उससे ज्यादा वजन उठाए और ज्यादा काम करे। तो इसकी एक लिमिट है, वो है आपकी 50 kg। तो किसी भी कर्मचारी से जो है 50 किलोग्राम से अधिक अधिक जो वजन है वो किसी भी कंपनी में, किसी भी फैक्ट्री में जो है उससे नहीं उठवाया जाएगा। और इसी रूल के कारण जो आपकी बोरी होती है, जो अनाज की बोरी होती है, वो 50 किलो की रखी जाती है, क्योंकि ये भारत सरकार की जो है एक रूल के अनुसार जो है काम करते हैं, इसीलिए वो जो बोरियां हैं वो 50 kg की रखी जाती है। अगर ये जो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसकी लिमिट है 50 kg, अगर ज्यादा होती तो जो आपकी सरकारी गोदाम में जो बोरियां होती हैं उनका जो वजन है वो भी 50 से ज्यादा आपको देखने को मिलता। अगला प्रश्न है, PDCA का मतलब क्या है? तो PDCA की यहाँ पर आपसे फुल फॉर्म पूछी गई है, तो PDCA का मतलब होता है प्लान डू चेक एक्ट, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। 20वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कार्डिनल नंबर है या फिर कार्डिनल संख्या है? तो मैंने आपको बताया कार्ड का मतलब होता है आपके ताश के पत्ते, और पत्तों पर जो संख्याएं लिखी होती वो कैसे लिखी होती, वो लिखी होती 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर आप ऑप्शन में देख सकते हैं जो सबसे पहला ऑप्शन है वो क्या है, वो है 4, जो कि आपका रोमन लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो इस तरह से जो जो, जो आपके ताश होते हैं उस पर लिखा हुआ नहीं होता है, ना ही आपका 10th लिखा होता है, ना ही आपका फर्स्ट लिखा होता है। तो जो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो डी है, 1, ठीक है, 1 जो है उसमें हालांकि इक्का होता है, लेकिन जो 1 है वो आपके कार्ड में जो है शामिल होता है कि हमारा जो ये इक्का ये 1 है, इक्के का मतलब 1 ही होता है। तो जो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, 1 जो वो एक कार्डिनल संख्या, कार्डिनल नंबर है। लेकिन इसके अलावा जो जितने भी आपके जो 10th है, के 10वां है, फर्स्ट है, और जो आपके रोमन नंबर है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर 4 लिखा हुआ है, तो ये सब क्या है, बाकी ये सब आपके ऑर्डिनल नंबर होते हैं। ये हो गए हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।